शेख, मेरा सवाल ये है कि मेरी है ना बहुत नमाजें छूट गई है, नमाज छूट जी गई है। तो कुछ मैंने आलिम का बयान सुना तो उन्होंने कहा सिर्फ तौबा काफी नहीं होगी, उसके वो जो छूट गई है उन्हें पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसका कर्जा अदा करना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? कितनी नमाजें छूटी हैं आपकी? मोस्ट ऑफ द मेरी फजर की भी छूट गई है, कभी जोहर की, कभी असर की। अभी सिर्फ मैं 17 साल का हूँ, 17 साल का हूँ सिर्फ। मतलब कितने सालों से नमाजें छूटी हुई हैं आपकी? मैं जब बालिग हुआ हूँ तब से, ऐसा तब से नहीं कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ता, फिर लेकिन छूट गई है मेरी। हाँ देखिए, पहली बात तो आपको पता भी नहीं है कि आपकी कितनी नमाजें छूटी हैं, और कजा करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि मेरी कितनी नमाज छूटी है, मैं कौन सी नमाज की कजा कर रहा हूं। अगर कोई अंधेरे में है उसे पता ही नहीं है तो कैसे कजा करेगा वो? लिहाजा जी अगर कोई मुसलसल नमाजें छोड़ रहा था तो उसे मालूम ही नहीं है कि उसकी कितनी नमाजें छूटेगी, वो कैसे कजा करेगा? तो उसके ऊपर कजा करना वाजिब नहीं है, उसके ऊपर तौबा वाजिब है। वो तौबा जी करे और सच्ची तौबा करे, आइंदा ऐसा ना करने का अजम करे और तौबा करे, उसके लिए काफी है, उसकी कोई जी कजा नहीं है। भाई वो कजा कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है मैं कितनी नमाजें छोड़ा हूं। जी मतलब सिर्फ सच्ची तौबा काफी है ना शेख? इंशाअल्लाह, बस सच्ची तौबा के लिए शर्त है कि आइंदा ऐसा ना करने का मुकम्मल अजम हो, आपको उस पर शर्मिंदगी हो, आप अभी नमाजी बन जाएं अच्छे से, ये सारी चीजें शर्त हैं, तब उसको सच्ची तौबा कहा जाएगा।